हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। आज हम बना रहे हैं मटन पाया ग्रेवी। इसके लिए मैंने ये पाया ले लिया है। यहाँ पर मैंने एक बटन चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इस पानी को बॉयल होने देंगे। ये देखिए पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें ये मटन पाया जो है ये डाल देंगे। पाया को पानी में कम से कम 30 से 40 मिनट तक बॉयल होने देंगे। तब तक हम हमारी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पाया को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उबालने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुकर में भी पकाएंगे। ये देखिए पाया को बॉईल होते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं और पानी भी काफ़ी कम हो गया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 छोटे तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची और 2-3 काली मिर्ची, 2-3 लौंग और शाही ज़ीरा लिया है। ये डाल देंगे अंदर। इसके साथ ही मैंने 4 बड़े प्याज की प्यूरी बना दी थी, ये प्यूरी भी हम डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा लाल होने देंगे। ये देखिए हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये जो पाए हमने बॉईल किए थे ये डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। तीन चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसाले को पका लेंगे। मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इस पर ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। पाँच से छः सीटी आ गई है कुकर में। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे, प्रेशर को अंदर ही रहने देंगे। जब तक पूरा प्रेशर अपने आप नहीं निकल जाता तब तक इसको नहीं खोलना है, उसके बाद ही इसको खोलेंगे। तब तक इसको ऐसे ही रहने दें। गैस की फ्लेम को बंद किए हुए 15 मिनट हो गए हैं, कुकर का सारा प्रेशर भी निकल गया है, तो अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए हमारा जो मटन पाया है वो तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे।
थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए तैयार है बिल्कुल हमारा मटन पाया ग्रेवी, इसको सर्व करेंगे। ये देखिए तैयार है हमारा मटन पाया ग्रेवी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।